तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 24 अप्रैल 2022 रविवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में सभी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक ने अलर्ट जारी करते हुए दो मोबाइल नंबरों की जानकारी दी है, जिसके बारे में बताया गया है कि अगर इन नंबरों से कॉल आता है तो आपको नहीं उठाना है। यानी कि अगर कोई बैंक ग्राहक इन नंबरों से आए हुए कॉल को उठा लेता है तो फिर वो फिशिंग का शिकार हो सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो ठगी करके बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं। अभी इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना के तेजी के बढ़ने के कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 27 अप्रैल को एक बार फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जाहिर सी बात है, इस बैठक में कोरोना के हालात पे चर्चा की जाएगी, यानी कि जो कोरोना बढ़ रहा है उसे रोकने की बातें होंगी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में टेलकम पाउडर को लेकर बड़ी खबर है। यानी कि आमतौर पर गर्मियों के मौसम में जिन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है उसको लेकर विशेषज्ञों की तरफ से बड़ी खबर आई है। भास्कर.com की तरफ से एक आर्टिकल साझा किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि गर्मियों में इस्तेमाल होने वाला टेलकम पाउडर बच्चों समेत महिलाओं के लिए भी खतरनाक है। कहा तो यहाँ तक गया है कि कई बार इसे ओवेरियन कैंसर से जोड़ के देखा जाता है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 4 दिनों के लिए देश के कुछ राज्यों में लू का प्रकोप रहेगा, वहीं देश के 10 से ज्यादा राज्यों में आंधी समेत बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में CBSE बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक CBSE ने इतिहास और राजनीति विज्ञान के कई सिलेबस हटा दिए हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग को लेकर एक बड़ी खबर है। दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं, इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। SBI ग्राहक भूलकर भी इन दो नंबरों से आने वाले कॉल को ना उठाएं, वरना लग सकता है तगड़ा चूना, यानी कि बैंक खाता हो सकता है खाली। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI ने अपने ग्राहकों को दो नंबरों से फोन आने पर उन्हें नहीं उठाने को कहा है। SBI की तरफ से कहा गया है कि इससे आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं, यानी कि ठगी के जरिए आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SMS, ट्वीट, ईमेल समेत अन्य माध्यमों से लोगों को इस बारे में सचेत किया है, यानी कि सावधान रहने के लिए कहा है। SBI बैंक का कहना है कि में बैंक के नाम का इस्तेमाल करके लोगों से ठगी की जा रही है। जिन दो नंबरों के बारे में बताया गया है कि इनके फोन कॉल नहीं उठाने हैं, वो नंबर अभी आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। पहला नंबर है 8294710946, वहीं दूसरा नंबर है 7362951973। यही वो दो नंबर है जिनसे कॉल आने पे पिक नहीं करने को कहा गया है। SBI के अनुसार ये नंबर स्कैमर्स के प्रतीत होते हैं। दोस्तों वैसे तो देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI ने ये जानकारी अपने ग्राहकों को दी है, लेकिन जाहिर सी बात है इन नंबरों के जरिए किसी दूसरे बैंक के ग्राहक के साथ भी फिशिंग हो सकती है, यानी कि वो भी ठगी का शिकार हो सकता है। इसी की वजह से आपका खाता चाहे जिस भी बैंक में है, इन दो नंबरों को आप देख लें। अगर इन दो नंबरों से आपके पास कॉल आते हैं तो इसे ना उठाने में ही भलाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर आई बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 27 अप्रैल को करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बैठक। संक्रमण की उभरती स्थिति पर होगी चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की उभरती स्थिति पर आने वाले बुधवार को अहम बैठक करेंगे। इस दौरान PM मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये बातचीत और बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली इस बैठक में देश में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। अमर उजाला की जानकारी के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अपने देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, और इस बार कोरोना के मामले में नंबर वन पे चल रही है राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से रोजाना 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर से लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है कोरोना के कारण। इसी की वजह से दिल्ली में एक बार फिर से मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है, और अगर कोई नहीं पहनेगा तो उस पे 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि दिल्ली के अलावा भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हालात को जानने के लिए और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर चर्चा करेंगे आने वाले बुधवार को, यानी कि 27 अप्रैल को। आइए लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने देश को लेकर।
बीते रोज एक बार फिर से मिले 2500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 30 से ज्यादा लोगों ने गवाई है अपनी जान कोरोना के कारण देश भर में। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,54,952 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,22,149 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि 1600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल अभी अपने देश में जिन लोगों का इलाज चल रहा है जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज है देश भर में, अब उनकी संख्या 15,079 हो गई है। गर्मियों के मौसम में टेलकम पाउडर का इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक। एक्सपर्ट्स ने जानकारी दी है कि इसे लेकर हाई रिस्क पर हैं बच्चे। वहीं इसके इस्तेमाल से महिलाओं में ओवेरियन कैंसर का खतरा ज्यादा है। भास्कर.com के एक आर्टिकल में दी गई है ये सभी जानकारी। जी हां, टेलकम पाउडर सबसे महीन पाउडर होता है। बताया गया है कि टेक्नली टेल्क एक क्ले मिनरल है जो माइन करके निकाला जाता है। जानकारी के मुताबिक इस तरह के पाउडर को केवल स्किन पाउडर के ही रूप में प्रयोग नहीं लाया जाता, बल्कि ये कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, जैसे कि लिपस्टिक, मस्कारा, फेस पाउडर, ब्लश, आई शेडो, साथ ही में फाउंडेशन में भी इसे मिलाया जाता है। या यूं कहें कि टेलकम पाउडर को कॉस्मेटिक के साथ इसीलिए मिलाते हैं ताकि सिल्की फील हो, यानी कि एक बेहतरीन मुलायमपन लगे। साथ ही इस टेलकम पाउडर के इस्तेमाल से ये मॉइस्चराइज को सोख लेता है, यानी कि अगर कोई ऑयली या गीली जगह है तो ये उसे सूखा बना देता है। जानकारी के मुताबिक टेलकम पाउडर केवल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में नहीं बल्कि कई सारी खाने की चीजों में भी मिलाया जाता है, जैसे कि सप्लीमेंट, इसके अलावा दवाइयों में, च्युइंगम में, पॉलिश राइस में, साथ ही में खिलौने वगैरह में भी टेलकम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो जिस चीज को भी बहुत ज्यादा मुलायम बनाना होता है वहाँ पे टेलकम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके बारे में एक एक्सपर्ट डॉक्टर विक्रांत का कहना है कि बच्चे इसकी वजह से हाई रिस्क पर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए कभी टेलकम पाउडर की सलाह नहीं देता। दरअसल बच्चों को टेलकम पाउडर की जरूरत नहीं होती है और न ही उन्हें किसी तरह का साबुन चाहिए। बच्चों को साफ रखने के लिए बस हल्के गुनगुने पानी से नहलाया जा सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी बच्चों को टेलकम पाउडर न लगाने की सलाह दी है। एकेडमी का मानना है कि टेलकम पाउडर से बच्चों में सांस की बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस टेलकम पाउडर का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। कई बार टेलकम पाउडर को ओवेरियन कैंसर से भी जोड़ के देखा जाता है। भास्कर.com के मुताबिक कुछ स्टडी में पाया गया है जो महिलाएं अपने जेनिटल एरिया में टेलकम पाउडर का यूज करती हैं उनमें ओवेरियन कैंसर से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। अमेरिका के कोर्ट में अभी हाल ही में एक मामला गया जिसमें 22 साल की महिला ने शिकायत की कि एक विशेष कंपनी के टेलकम पाउडर के इस्तेमाल से उन्हें ओवेरियन कैंसर हुआ है। फिलहाल अभी इस केस पे सुनवाई चल रही है। तो दोस्तों, गर्मियों में जो आम पाउडर इस्तेमाल होता है यानी कि टेलकम पाउडर, उसको लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगले 4 दिनों में मौसम में दिखेगा बड़ा बदलाव। देश के कई राज्यों में होगी बारिश तो कई राज्यों में चलेगी लू। जी हां, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान गुजरात में लू चलने की संभावना है। साथ ही में मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में 25 से 27 अप्रैल के बीच लू चलने की संभावना है। साथ ही में राजस्थान में, दक्षिण हरियाणा में और विदर्भ में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। आसान सी भाषा में कहें तो ये वो राज्य है जहां पर आने वाले 3 से 4 दिनों तक लू चलने की संभावना है। इसी की वजह से इन राज्य के लोगों को जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना लू लग जाने से कई बार गंभीर तरीके से तबीयत खराब हो जाती है। इसके अलावा जिन राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है या आंधी वगैरह आ सकती है उनमें शामिल है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय। जानकारी के मुताबिक यहाँ पे गरज के साथ तेज हवाएं चलेगी और बिजली के चमकने की भी संभावना है। साथ ही में बिजली गिर भी सकती है। इसके अलावा इसी तरह के हालात की चेतावनी यानी कि आंधी, बारिश और बिजली की चेतावनी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भी दी गई है। CBSE ने इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस बदले। सिलेबस बदलने के बाद अब छात्र नहीं पढ़ेंगे इस्लामी साम्राज्य का उदय, वहीं फैज की नज़में भी हटाई गई हैं। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने 11वीं और 12वीं क्लास से इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस में कई चैप्टर हटा दिए हैं। जिन सिलेबस को हटाया गया है उनमें शामिल है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कोल्ड वॉर टाइम, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्यों का उदय, मुगल दरबार और औद्योगिक क्रांति के इतिहास। इसी तरह से 10वीं के सिलेबस में फूड सेफ्टी से एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का असर विषय हटा दिया गया है। वैसे CBSE की तरफ से जो भी विषय हटाए गए हैं उसकी डिटेल जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। ये पूरी जानकारी भास्कर.com की तरफ से साझा की गई है, तो आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हैं या सीधे दैनिक भास्कर को विजिट कर सकते हैं, या और ज्यादा जानकारी के लिए आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट CBSE.go.in को भी विजिट कर सकते हैं।
व्हाट्सएप में आया बड़ा अपडेट, अब एक साथ 32 लोगों के साथ कर सकेंगे ग्रुप कॉल। जी हां, मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। नए अपडेट के बाद यूजर अब व्हाट्सएप पर एक साथ 32 लोगों के साथ ग्रुप कॉल कर सकेंगे। नया फीचर व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर का ही विस्तार है, यानी कि ये फीचर कम्युनिटी फीचर से जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप ने इससे पहले 2022 में ग्रुप कॉलिंग की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 की थी। अब व्हाट्सएप के जरिए एक साथ 32 लोग ग्रुप कॉलिंग कर सकेंगे। हालांकि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था ये वीडियो कॉलिंग होगी, लेकिन ये असल में वॉइस कॉल का फीचर है। महंगाई ने बुझा दिए हैं उज्ज्वला योजना के चूल्हे। कई महिलाएं बोली, अब हैसियत से बाहर हो गया है गैस सिलेंडर भराना। जी हां, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिलेंडर और गैस चूल्हा तो मिल गया, लेकिन रसोई गैस के बढ़े दाम इसका उपयोग करने नहीं दे रहे हैं। महंगाई ने उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हे बुझा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की कई महिलाओं का कहना है कि रसोई गैस की कीमत बजट से बाहर है। चूल्हा फूंकना और अंगीठी का धुआं झेलना मजबूरी है, क्योंकि इन पर खाना बनाना रसोई गैस से सस्ता पड़ रहा है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सरकार गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार वालों को गैस सिलेंडर और चूल्हा बिल्कुल फ्री में देती है। इस योजना का लाभ केवल महिलाएं उठा सकती हैं। आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो पूरी बात यह है कि सरकार की तरफ से चूल्हा और गैस सिलेंडर तो फ्री में दे दिया गया है, लेकिन पिछले बीते कई महीनों से गैस सिलेंडर के दाम धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 9 महीने में घरेलू गैस के दाम 4 बार बढ़ाए गए हैं। अभी हाल ही में पिछले साल अगस्त के महीने में गैस सिलेंडर का दाम 872.50 रुपए था, लेकिन अभी वो अप्रैल के महीने में 962.50 रुपए हो गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या सच में अब ऐसा हो गया है कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना गरीब परिवार के बस में नहीं है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, यानी कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। पंजाब की मान सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। बताया गया, सड़कों से हटेंगे जुगाड़ वाहन। वहीं समारोहों में प्लास्टिक बोतल के इस्तेमाल पर लगेगी रोक। इसके अलावा अब मंत्रियों को गुलदस्ते नहीं दिए जाएंगे। जी हां, पंजाब में जुगाड़ वाहनों पर रोक लगा दी गई है। आसान सी भाषा में कहें तो जुगाड़ वाहन उसे कहा जाता है जिसे खुद से ही तैयार कर लिया जाए। जैसे कि कोई रिक्शा है और उसके आगे बाइक का अगला पार्ट लगा दिया गया। ऐसा करने से वो रिक्शा पूरी तरह से मोटर व्हीकल बन जाता है। तो पूरे पंजाब वालों के लिए ताज़ा जानकारी यही है कि पुलिस प्रशासन ने बीते शनिवार को सभी जिलों में ट्रैफिक विंग को निर्देश दिए हैं कि जुगाड़ वाहन अगर सड़कों पे उतरते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाए। इसके अलावा पंजाब को लेकर एक और खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर सरकारी समारोहों में पानी की प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पे रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में या असली में भी कि जब भी कोई मीटिंग होती है, चाहे वो किसी कंपनी की मीटिंग हो चाहे कोई राजनीतिक मीटिंग हो, तो मीटिंग के दौरान सभी लोगों के पास एक पानी की बोतल रखी होती है। हालांकि अब पंजाब में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि किसी भी तरह के समारोह में प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक और ऐलान किया गया है कि अब मंत्रियों को गुलदस्ते, यानी कि जो बुके वगैरह होता है फूलों से बना हुआ, वो नहीं दे सकेंगे। इस पर बैन लगा दिया गया है। एक सर्वे में किया गया बड़ा दावा, 15% तक महंगा हो सकता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। भारत में अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा होगी प्रीमियम। जी हां, लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच समूह स्वास्थ्य बीमा यानी कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी इस साल 15% तक बढ़ सकता है। बढ़ोतरी अन्य एशियाई देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा होगी। मर्सर बॉस बेनिफिट के सर्वे में कहा गया है कि ये लगातार तीसरा साल होगा जब प्रीमियम में दहाई अंकों के साथ वृद्धि देखने को मिलेगी। बढ़ोतरी सामान्य महंगाई के दर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। सर्वे में शामिल 81% एशियाई बीमाकर्ताओं का कहना है कि महामारी के कारण 2021 में मेडिकल क्लेम के साथ इलाज का खर्चा बढ़ गया है। दोस्तों, अगर आप समूह स्वास्थ्य बीमा के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये किसी कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को दी जाने वाली एक सुविधा है जो कर्मचारी और उसके परिवारों के सदस्य को मेडिकल कवरेज देता है। प्रीमियम का भुगतान कर्मचारी के वेतन से ही किया जाता है। तो जो भी नौकरी करने वाले हैं और जो लोग समूह स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में उसे प्रीमियम का ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दर में की है कटौती। अब 6.50% पर मिलेगा कर्ज। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दर में कटौती की है। बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर 6.75% से घटाकर 6.50% सालाना कर दी है। बैंक ने कहा है कि होम लोन पर ब्याज की नई दर 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। इसी दौरान लोन लेने पर अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से प्रोसेसिंग फीस में भी छूट दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या उनके ब्रांच पर जा सकते हैं।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोपियों पर कसा मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा, ईडी डिपार्टमेंट ने दर्ज किया है केस। इसी के तहत अवैध संपत्तियां जब्त कर सकती है एजेंसी। जी हां, दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों पर अब ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें, ये वही डिपार्टमेंट है जो पैसे वगैरह का हेर फेर देखती है, यानी कि अगर किसी के पास गलत तरीके से पैसे जमा हुआ मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो अभी हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी और उनमें जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, उन पर भी ये डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है। शादी में हुआ आपसी विवाद तो घर लौट रही 10 साल की बच्ची से 6 नाबालिगों ने किया गैंगरेप। जी हां, झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में एक विवाह के समारोह में छोटे से आपसी विवाद के बाद आधा दर्जन नाबालिगों ने सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई और इस योजना के तहत 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उन सभी आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। असल में ये नाबालिग है, इसी की वजह से इन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस घटना की जानकारी अभी हाल ही में शुक्रवार को तब हुई जब पंचायत में मामला नहीं सुलट पाया, तब उस बच्ची की मां ने थाने का दरवाजा खटखटाया और ये पूरी जानकारी सामने आई। बीते रोज हुई आरसीबी की शर्मनाक हार, आइए बताएं आईपीएल मैच का अपडेट। जी हां, बीते रोज के आईपीएल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक तरफा मुकाबले में बड़ी आसानी से हराया। इस वाले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स की बेंगलोर ने 16 ओवर में केवल 68 रन बनाए। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने केवल 8 ओवर में एक विकेट खोकर 71 रन बनाकर इस मैच पे जीत दर्ज की। आपको बता दें, बीते रोज आईपीएल के 2 मैच खेले गए, दूसरे मैच का अपडेट देखें अगली खबर में। गुजरात की टीम ने कोलकाता को 8 रन से हराया, आइए बताएं इसका भी अपडेट। जी हां, बीते रोज के दूसरे आईपीएल मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 20 ओवर में 156 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 8 विकेट खोकर 20 ओवर में 148 रन ही बना सकी और हार गई। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा जिसमें आमने सामने होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस। हमेशा की तरह मैच की शुरुआत होगी शाम के 7:30 बजे। तो दोस्तों, आज 24 अप्रैल 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।